नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आगामी मुहर्रम त्योहार की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसडीएम वासियों के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली पर आगामी मुहर्रम के त्योहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बबेरू उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के द्वारा पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रधान, मुस्लिम धर्म गुरुओं समेत संभ्रांत लोगों को बुलाकर पीस कमेटी की बैठक की गई। पूरा मामला बबेरू कोतवाली परिसर का है, जिसमें बांदा जिलाधिकारी अनुराग पटेल एवं पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देशन पर आगामी मुहर्रम त्योहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उप जिलाधिकारी सुरभि शर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्यप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार पाठक के द्वारा क्षेत्र के ग्राम प्रधान, मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु और समित संविधान के लोगों को बुलाकर पीस कमेटी की बैठक की गई। दर्जनों गांव से ग्राम प्रधान, मुस्लिम धर्मगुरु बैठक पर मौजूद रहे, जिसमें अधिकारियों के द्वारा मुहर्रम त्योहार पर होने वाली समस्या के बारे में लोगों से जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें विद्युत, पानी व रूट पर पेड़ पौधे से होने वाली दिक्कतों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। जिसमें विद्युत, पानी व रूट पर पेड़ पौधों से होने वाली दिक्कतों के बारे में लोगों के द्वारा अवगत कराया गया, जिसमें अधिकारियों के द्वारा संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सही करने के निर्देश दे दिए गए और सभी को निर्देशित किया गया कि मुहर्रम त्योहार पर किसी प्रकार का शस्त्र प्रदर्शन न करें व तेज आवाज का लाउडस्पीकर न बजाएं और शांतिपूर्ण मुहर्रम त्योहार मनाने के लिए सभी को निर्देशित किया है और किसी भी नए स्थान पर ताजिया नहीं रखा जाएगा। पुराने इमाम बाड़े से जो पहले की भांति ताजिया उठते चले आए हैं, उसी तरह इस वर्ष भी ताजिया वहीं से उठेगा और पुराने रूट से ताजिया निकाला जाएगा, कोई नया रास्ता नहीं चुना जाएगा। इस बैठक पर पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग एवं नगर पंचायत के अधिकारियों समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बांदा से रामू तिवारी की रिपोर्ट। वो क्या नाम है? आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट। समस्या में फंसे उसकी भी निगरानी रहेगी और कहीं किसी तरह का बवाल, किसी तरह की कोई बात ना हो। सारे लोग पहले, अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।